प्रिय मित्रों नमस्कार, मैं रताश गुप्ता, फॉर्मर प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द जूलॉजी डिपार्टमेंट कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र, वर्तमान में सेवानिवृत्त। सेवानिवृत्त कालखंड में कविता सृजन मेरा बहुत ही अच्छा एक समय व्यतीत करने का साधन सुसाधन बन गया है और मैंने बहुत सारी कविताएं सृजन की, 1000 के करीब हो गई होंगी और 15 के करीब तो छप गए हैं वो कविता संग्रह। और अभी आजकल मैं फिर दोबारा से लगा हुआ हूँ और कम से कम भी 8-7 और साल एक में निकल आएंगे। 2 इंग्लिश की हैं और 3 इंग्लिश की और निकल आएंगे, 5 हो जाएंगे इंग्लिश में। आज जो मैं आपके सामने कविता पाठ करूँगा बड़ा ही रुचिकर है, रोचक है, हंसी वाला भी है और असमंजस से भी भरा हुआ है। और ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, हो सकता है ये ठीक हो सकता है ये ठीक ना हो। ये मैं पहले ये विनती करूँगा और कि किसी पर कटाक्ष नहीं है, किसी पर कोई आई एम नॉट कास्टिंग एस्पर्शंस, ये ऑब्जर्वेशंस हैं, इनको हम हल्के में लेंगे, बहुत हल्के में, और देखेंगे एक्सपेरिमेंट स्वरूप कि क्या इसमें कुछ सच्चाई है। ये जो कविता है ये उन लोगों के बारे में जिनका जन्म दिवस अमावस को हो। बाप बेटे एक जैसे नहीं हो सकते, हो सकता है 99% एक जैसे हो। दो भाई माँ जाए भाई एक जैसे नहीं हो सकते, 99% ये है कि उनकी आवाज़ की फ्रीक्वेंसी भी मिलती हो। लेकिन एक ये भी है, देखिए कि वहाँ तो बाप बेटे का रिश्ता हो गया खून का, दो भाई हैं एक माँ के कोख से जन्मे वहाँ भी रिश्ता हो गया। लेकिन ये कविता ये कहती है कि दो व्यक्ति विशेष जिनका धर्म कर्म सब एक दूसरे से डिफरेंट है, माँ बाप सब डिफरेंट हैं, लेकिन एक चीज़ उनकी कॉमन है कि वो अमावस के दिन जन्मे हैं, तो वो हो सकता है एक दूसरे की कार्बन कॉपी हो, डुप्लीकेट हो। लो देखते हैं, बड़ा आनंदित होंगे आप इसको सुन के, बड़ा रुचिकर विषय है और मैं समझता हूँ ये अपने आप में शायद दुनिया में पहली बार है जो मैंने ये कविता का विषय बनाया है, अमावस जन्म दिवस। देखिए, प्रत्येक सनातनी माह के दो पक्ष होते हैं, प्रत्येक सनातनी माह के दो पक्ष होते हैं, प्रतिपक्ष दूध से होते हुए, ये प्रतिपक्ष दूध से होते हुए 14वीं तक पूनम पक्ष को शुक्ल पक्ष कहते हैं। बढ़ते रात के अंधेरे का चरम बिंदु अमावस की रात है, इस पक्ष को कृष्ण पक्ष कहते हैं। इस चंद्रमा के चक्र में कृष्ण पक्ष में जन्मे महानुभावों का स्वभाव बर्ताव पर काले गहरे पर्दे पड़े होते हैं। अब ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, लेकिन इसके लिए मेरे को आप क्षमादान करेंगे, ये कोई थ्योरी है, ये कोई रियलिटी नहीं है। अमावस के जन्मे लोगों की प्रकृति उग्र स्वभाव, भावना रहित, निजी जन परिजन परिवार संबंधियों का तिरस्कार निरादर, सब पर आधिपत्य जमाने की होती है। इनके मन में वो धारणा वास करती है जो समाज संसार की नीति को धता बता बता देती है। हर मसले पर इनकी आम राय होती है, अपनी राय होती है, संसार देश समाज परिवार के हर समस्या की इनके पास में जन्म गुट्टी होती है। किसी भी विचार विशेष पर बोलने से नहीं घबराते, कौन जिनका जन्म दिवस अमावस का है, किसी भी विचार विशेष पर बोलने से नहीं घबराते, अगर बोलना शुरू कर दें तो इतनी तीखी प्रवचन वाणी लगातार बहती है जो बड़े घिनौने असामाजिक विषैली वात्सल्य रहित निराधार होती है। इन्हें सर्वदा अपनी ही इच्छा पूर्ति की धुन सी लगी रहती है। इनका कोई इष्ट नहीं होता, ना ही इनका कोई गुरु होता है, ये सब ईस्ट खोखले हैं, ये स्वयं को ही ईस्ट व गुरु का होने का अविरल आभास कराते रहते हैं। अपनी संतान अपनी पत्नी अपनी धन दौलत पर इन्हें नाज होता है, दूसरों की संतान व धर्म पत्नी मात्र चलते फिरते जीव होते हैं, अपनी संतान अपनी पत्नी पर आंच नहीं आने देते, स्वार्थ के परिचायक होते हैं। बड़े असमंजस की बात है कि समाज में इनकी गहरी पैठ होती है।
बड़े असमंजस की बात है कि समाज में इनकी बड़ी गहरी पैठ होती है, शोहरत के बादशाह, दौलत भी अथाह होती है, किस्मत के धनी, इनकी जिंदगी मज़ेदार रौबदार सुखों से परिपूर्ण होती है। ये रंग के श्याम वरण, ये रंग के श्याम वरण तंदुरुस्ती के खासम खास पात्र होते हैं, इन्हें कभी रोग नहीं सताता, इनकी उम्र भी उम्र दराज होती है। ये पैतृक संपदा को अदृश्य काले नाग की तरह निगल जाते हैं, ये पैतृक संपदा को अदृश्य काले नाग की तरह निगल जाते हैं। अदालती कार्रवाई भी फेल, सामाजिक प्रेशर भी विफल, माँ बाप भाई बहन के हिस्से को भुने चने के दानों की तरह चबा जाते हैं। वक्त भी इनका साथ देता है, सगे संबंधी देखते रह जाते हैं। अमावस्या के अंधेरों की भांति, अमावस के अंधेरों की भांति इनके शुभ चिंतक समाज, प्रदेश, देश व देश की सरहदों पर होने की प्रबल संभावना होती है। इनकी कथित दोस्ती वास्तव में इनके समर्पित दास, इनके निमित्त समर्पित दास जैसी प्रवृत्ति की होती है। अपने सगे संबंधी व दफ्तर के सहयोगी, व्यापार के प्रतिस्पर्धा रखने वाले, निकट दूर के सभी जन शामलात संभोगी उनकी उन्नति, संपत्ति, जायदाद, शौहरत को ये देख नहीं पाते हैं। हृदय मन विचारों से सूखी लकड़ी की तरह फूं फूं मैं करके जलते रहते हैं, फुक जाते हैं। ये जनमानस अमावस के अंधेरों में उजारा करना, अमावस के जन्मे महानुभावों से किनारा करना, हे जनमानस अमावस के अंधेरों में उजारा करना, अमावस के जन्मे महानुभावों से किनारा करना, ये घनेरे अंधेरों के ताल्लुकेदार, नंबरदार, ठोंडा सुल्तान होते हैं। सहस्त्रों वर्ष की आयु बरगद वृक्ष समान महान और विशाल होते हैं, खुद तो बढ़ते रहते हैं और सभी के अनिष्ट के कारक होते हैं। हाँ, ये भी सुहावना सच है कि अमावस के जाए मित्रता व मित्र मंडली के पोषक होते हैं। बस कोई इनका विरोध ना करे, इन्हें दुष्ट ना समझे, स्पष्ट स्पष्ट इज्जत नछावर करे तो ये सबल संरक्षण भी होते हैं, सबल संरक्षक भी होते हैं। अमावस के जन्मे जन्म से चाहे हों निर्धन बिना ठाटवाट, अमावस के जन्मे जन्म से हों चाहे निर्धन बिना ठाटवाट, पर एक बार कारोबार पर सवार हो जाने पश्चात नहीं होती कंगाली की आहट, जब जेब पैसों से भरी रहती है कहलाते हैं शाहूकार, ताउम्र पैसे से खेलते हैं, धन ऐश्वर्य रहते हैं समूचे बरकरार। स्वभाव से वैसे नरम होते हैं, स्वभाव से वैसे नरम होते हैं अधिकतर व्यक्ति इनके चहेते होते हैं। मुंह बोलो रिश्तों में दर्जनों इनकी बहन और उतने ही जमाई होते हैं। किसी के सच्चे मित्र नहीं, सभी से ऊपर ऊपर से नज़दीकी होते हैं। वैसे सगी कुआरी बहनों की अस्पष्ट अनदेखी करते हैं, चाहे पिता की असमर्थता से परिचित हों सहायता से परहेज करते हैं, बहन भाई विवाह के हाथ बटाने से कतराते हैं। यह विरोधाभास ही है कि दर्जनों इनकी मुंह बोली बेटी होती हैं और उन्हीं की बारात में जाते हैं। हाँ ध्यान रहे कि सिर्फ तीन चार इनके जानी दुश्मन भी होते हैं। ये दुख की बात है, ये इनके अपने माजा या अनुज भी होते हैं, उनकी बर्बादी पर इनके निशाने होते हैं, बेदखल जिंदगी में करने के इरादे होते हैं। क्षमा का दान हमें देना, कभी भी सभी टमाटर व आलू एक जैसे नहीं होते। अब ये वो कह रहा है, कभी क्षमा का दान हमें देना, मुझे देना, कभी भी सभी टमाटर व आलू एक जैसे नहीं होते। स्वभाव, ऋतु, समाज, स्थान, विशेष चाहे हों, जो विचार यहाँ बयान किए गए हो सकता है वो निरे असत्य हों। मेरा नमन सभी अमावस के जायों को, अंतिम मेरा नमन सभी अमावस के जायों को, हो सकता है सद्गुण अपार असंख्य हों इनके और अवगुण नाम मात्र भी न हों, दूध के धोए हों जो कालक इनके व्यवहार में प्रतीत होती है, नितांत बेन बुनियाद हो। धन्यवाद।